नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। धर्म के नाम पर राजनीति करना, वोट बटोरना काफी पुराना है। राजस्थान में कांग्रेस की मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार शाम को जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। मंदिर में गहलोत ने पूजा अर्चना की, फिर भक्तों की भीड़ से मिले और महिला भक्तों से आशीर्वाद भी लिया। गहलोत ने गोविंद देव जी मंदिर में भी उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर कुछ दिन पहले ऐलान किया। गहलोत सरकार ने ऐलान किया है कि वो गोविंद देव जी मंदिर के विकास पर 100 करोड़ खर्च करेगी। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर की विशेष मान्यता है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर पर आक्रमण के दौरान वृंदावन से जयपुर के राजा मान सिंह भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आए थे और यहाँ पर मंदिर बनाकर इस मूर्ति की स्थापना कर दी थी। गहलोत पूर्व में गोविंद देव जी के साथ सीकर के खाटू श्याम मंदिर में कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल हिंदूवादी संगठनों के राजस्थान में कई मुद्दों पर हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए विरोध प्रदर्शन का जवाब गहलोत अब मंदिर जाकर दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में भारी मत से जीत से उत्साहित गहलोत अब राजस्थान में भी हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान पहले भी गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संकेत दे चुका है। कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट से जिस तरह से मारियो गेम के जरिए राजस्थान में गहलोत की चुनावी योजनाएं बनाई गई थी, उससे साफ तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि आलाकमान ने राजस्थान चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड कर दिया है और इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव जीतने के लिए अब सभी दांव अपना रहे हैं, जिनमें हिंदुत्व का कार्ड सबसे ज्यादा अहम है। इसके साथ भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अब कांग्रेस के समझ में आ चुका है कि तुष्टिकरण की राजनीति से इनकी पार नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस समझ गई है कि मुस्लिम वोटों से अब नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। मंदिर में जाना, गाय को चारा खिलाना हिंदू परंपरा है, ये पहले मानते नहीं थे, हमने अब मनवा दिया है। आगे राजनीति में और क्या कुछ होगा, हर बड़ी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।